हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज इस वक्त आया हूँ छोरे बरघाटी से मिलने के लिए, और जिस तरह से आप देख सकते हो भैया को, और इनका जो ओरिजिनल नाम क्या है तो आप अभी इन्हीं के मुंह से सुनोगे, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग जो है कॉमेडी तो बहुत सारी चीजें सुनते हैं, जैसे कि लाइक इनका नाम अभी बनवारी सेठ भी रहता है जब इनका गेटअप रहता है, फिर छोरे बरघाटी के नाम से भी जानते हैं, अब देव कुमार के भी नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है इनकी प्रॉपर मतलब नाम क्या है, तो ये सारी चीजें भैया से हम आपसे रूबरू करवाने वाले हैं, और एक छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू होने वाला भैया के साथ में, और आपके साथ में सारी चीजें शेयर करने वाले, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया। भैया मैं बालाघाट कटंगी से आया हूँ, और खासतौर आपसे मिलने आया हूँ, तो भैया आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, बात करते हैं आपकी ऑडियंस। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, नमस्कार, मैं हूँ देव पवार। कैसे हैं आप लोग मुझे बता दीजिएगा, और भैया जो आए हुए हैं कटंगी से मिलने आए हुए हैं, तो प्लीज सपोर्ट करो भैया को, क्योंकि काफी दिनों से था इनका मिलने का और आज वो संभव हो पाया। आप सुनाइए तो आगे की कहानी। ऑडियंस, अभी हम आपको भैया की छोटी सी लाइफ के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह से ये जो अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और धीरे धीरे इसको किस लेवल तक लेके जाने वाले हैं, तो ये सारी चीजें हम छोटी सी एक स्क्रिप्ट के द्वारा इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू बन रही। तो भैया आपने इससे कैसे मतलब स्टार्ट किया, अपने लाइफ के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपने कब स्टार्ट किया था, यूट्यूब में आने का आपका मेन पर्पस क्या है, और आपको आने वाला जो नेक्स्ट लेवल है आप किस लेवल तक अपने यूट्यूब चैनल को लेके जा रहे हैं। 2016 में शुरुआत हुई थी इसकी। जी सर, 2016 में सोचा तो पहले से गया था, लेकिन 2016 में इसके जो कीड़े काटने चालू कर दिए थे। जी सर, और उन्होंने इतना बुरा काटे 17 में, क्या मुंबई भागना ही पड़ा। अच्छा अच्छा, तो 17 से जो है इसकी कहानी स्टार्ट हुई, और उसके बाद में लगातार मेहनत चलती रही, लेकिन 2019 में जो था मेरा मुंबई का जो सफर था, जी सर, COVID-19 ने जो उसको कम कर दिया, मतलब बंद ही कर दिया, जो वहां का मुंबई का सफर था। हाँ, तो हमने सोचा कि चलो अब YouTube में काम किया जाए, क्योंकि पहले मेरा प्लान था बॉलीवुड का, टीवी सीरियल का काम था, लेकिन उसके बाद में मैं बोला कि अगर ये कोविड आया ऐसे आते रहे, कुछ अपना किया जाए, तो वहीं से फिर शुरुआत YouTube की। मैंने काफी ऑडियंस से सुना है, और मैं काफी ऑडियंस से मिला हूँ, जब भी आपके YouTube चैनल वॉच करते हैं हमारे ऑडियंस सब देखते हैं, हमारे बालाघाट क्षेत्र इवन आपका 50% या 80% ले लो, हमारे YouTube चैनल जो आपका हमारे ऑडियंस है पूरे बालाघाट क्षेत्र की है, ठीक है, तो मैं उनके नाम से सुनता हूँ कभी कभी आपके बारे में। मैंने सुना उनसे कि भैया जो है वहाँ एक्टर, पहले एज एक्टर का वर्क करते थे और मुंबई रिटर्न है, काफी मतलब बातें थोड़ी थोड़ी मुझे सुनने में मिली थी, लेकिन मैं जो मतलब ऐसा कानों से सुना, मैं आज आपसे सुन रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्राउड फील हो रहा है कि हमारे मतलब नजदीक से हमारे क्षेत्र से कोई भैया जो है तो वो एक मुंबई इंडस्ट्री में जाके अपना मतलब एक रोल प्ले वहां करके अपनी एक पहचान बनाना अपने एमपी के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें मतलब ये कैसे सोचे थे आपने कि वहां जाना, वहां जाने का क्या पर्पस, किस तरह से आप वहां पे पहुंचे। देखिए, पहली बात तो रहती कि इंसान को लाइफ में जो है, जी सर, सोच को बड़ी रखो तब काम बड़े होते हैं, तो मेरी सोच यही थी कि मैं चाहता टीचर बन जाता। जी सर, आराम से बन जाता, मेरे घर वाले कह रहे थे 70,000 रुपए कितने, उस समय डीएड बीएड के लिए मेरे दोस्त बने हुए टीचर बन गए, बोले मैंने कितने पैसे मिलेंगे, बोले 5,000 पेमेंट मिलेगी, और जाना पड़ेगा 300-400 किलोमीटर दूर जंगल गांव भेजते हैं। जी सर, बिल्कुल। मैंने कहा सुनो, ये 5,000 कमाए देव पवार पैदा ही नहीं हुआ। मैंने कहा काम करना है, हटके करना है। जी सर, क्योंकि मैं, अच्छा मैं जब बोलता हूँ ना भैया, आप सबसे पहले बताता हूँ मैं, जी सर, लोगों को लगता है कि एटीट्यूड बोल रहा, बात वो नहीं है, आपको ही बोलता हूँ अपने अंदर थोड़ा सा रखना एटीट्यूड, बिना एटीट्यूड के लोग आम बनोगे, लोग अचार डाल देंगे, बता रहा हूँ, बड़ी खतरनाक दुनिया है। ये बात तो अपनी सोच थी कि भाई करना है, कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, अभी भी जो मामला है कहीं ना कहीं फंसा फुसी में है, लेकिन अच्छा ही करना है, अपने सोच ली है, तो शुरुआत ऐसी रही कि एक सोच ने हमको वहां तक लेके गई। मुंबई बहुत भारी स्ट्रगल रहा, जी सर, 10-20 रुपए जेब में नहीं होते थे हमारे। जी सर, आपने को जाना है ऑडिशन के लिए, भाई साहब जितने एक्टर बनना चाहते हैं, जितने लोग यूट्यूब में, हमने तो यहाँ पे काफी लोग को मौका दिए काम करने का, काफी लोग बेचारे काम भी किए, अच्छा नाम भी कमा रहे हैं। कभी मुंबई जाओ और वहां पे लगती लाइन, मिट्टी तेल लाइन तो अपने बहुत कम रहती है, ऐसी लाइन लगती कम से कम 50 फीट 100 फीट की लाइन रहती है, और वहां पे से देखा जाता है कि फिट और नॉट फिट, जो मुंबई गया होगा वो बताना मुझे, आप लोग कमेंट कर देना, कमेंट करोगे वहां बोला जाता है कि फिट नॉट फिट, हट जाओ, तुम्हारा काम नहीं, घर जाओ, इतना सब बना जाना पड़ता है घर, पहली बात तो भूखे निकलो,
भूखे निकलना पड़ता है सुबह, कौन खाना देगा आपको? जी सर बिल्कुल बिल्कुल, इतना पैसा नहीं कि आप होटल जाकर खाना खा लो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी लाइफ क्या है, एक शुरुआत वहां से रही थी। खैर मैंने फिर भी वहां पे लगभग स्टार प्लस और जी मैजिक मैंने काम किया था। जी सर, और बिग मैजिक में काम किया था और कलर्स जितने भी मैंने काम किया लगभग मैंने 7-8 सीरीज वहाँ पे किया था। जी सर, और लगभग मेरी एक वेब सीरीज थी, कभी सर्च करना कुकू ऐप पे सुहागरात, झूठ बोलना अपने को नहीं आता है। काफी सारा काम करने के बाद में इधर आया हूँ मैं, सुहागरात कभी सर्च करना कुकू ऐप पे मिल जाएगी। थोड़ा सा एंड बैंड रोल है, हिसाब से संभाल लेंगे। देख लीजिएगा ऑडियंस, आपने भैया ने जो बोले अभी, तो कहीं ना कहीं सर्च करके देखूंगे भैया, मिल जाएंगे वहाँ पे। अच्छा भैया आप ये बताइए, जैसे कि आप यूट्यूब में आए, आपकी अच्छी खासी जो एक टीम बन गई थी, फिर उसके बाद में आप एक छोले भरघाटी के नाम से अच्छा जानने लगे, तो आपको कैसा फील हो रहा था? आपको मतलब ऐसा कैसा लग रहा था? आप इस क्षेत्र में नए थे उस समय में, और आपने जो कंटेंट ले आए बाबूजी वाला, और कुछ मतलब अपने जो अपने पिकिया है और जो अपने एक्टर्स हैं, तो उनका जब नाम लाया आपने, कि यूनिक लगा, आप सभी जो ऑडियंस है ना, तो आपके वो बहुत जल्दी अट्रैक्टिव होने लगे, तो वो कैसा मतलब आपको कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब आपके कॉन्सेप्ट मेरा क्या था, मैंने मेरे दो चीज करना था मुझे। पहली बात देसी कंटेंट जी, उसको तो पकड़ना ही था क्योंकि अपन देसी आदमी, देसी बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरा क्या था, एक ऐसा कंटेंट पकड़ना जो अपने को नेशनल लेवल पे लेके जाए, कभी वक्त पड़े तो इंटरनेशनल पहुंच जाए। तो शुरू से मैंने दो चैनल रखा, सबसे पहला मेरा क्या था, देव पुआ चैनल, जो मेरा मेन चैनल, बिल्कुल बिल्कुल वो मेरा था। उसके बाद में फिर जैसे कि मुलाकात मेरी गोविंद से हुई थी, गोविंद मेरे पास ही आया था, तो बेचारा मुझे उस समय बहुत दिन से मिल, 6 महीने बाद मिला था वो। अच्छा अच्छा, आपके यूट्यूब चैनल के बाद? नहीं, वो मुझसे मिलने में उसको शक्ति कपूर मेरे पास में जनवरी में शक्ति कपूर का आना हुआ था, तब से गोविंद मिलना चाहता था, लेकिन गोविंद को मिलते मिलते लग गए मेरे ख्याल से जून के टाइम में ऐसा कुछ, तो भी टाइम था उसको कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से उसको ऐसा कुछ टाइम था। जी सर, या शायद नहीं सॉरी, गोविंद को मिलने में उससे लगभग अगस्त सितंबर लग गया। अच्छा, मिलने की तो जनवरी कहाँ और अगस्त सितंबर, अगस्त कहाँ, 6-7 महीने गोविंद मुझसे मिला। जी सर, और जब गोविंद मेरे पास में आया था तब तो खैर अलग तेवर थे गोविंद भाई के काम वाले, क्यों तो फिर मैंने क्या हुआ, गोविंद को मैंने बोला, गोविंद भाई तुम्हारा चेहरा जो है थोड़ा सा देहाती लुक है और इसमें ऐसा कुछ फिट नहीं, लेकिन जब भी मिलेगा तो पहला रोल उसको मैंने दिया था गोविंद को, जब एक कार वाला वीडियो कभी देखना आप, जी सर, MR देव कुमार में मेरे चैनल में जाना आपको, देव कुमार चैनल पे, जी सर, इसको मारते। अच्छा अच्छा, वो कार धोने के पैसे मांगता है। अच्छा अच्छा, वो पहला वीडियो था गोविंद का। अच्छा, फिर उसका वो किस्मत भी अच्छी रही कि चारक उसके फिर बन चुके थे हमारे। अच्छा, उसके बाद में फिर मुझे मुंबई से मेरे दोस्त है सोहेल खान जी, सोहेल भाई का फोन आया, बोले भाई ऐसे कुछ कंटेंट दो आप, तो मेरे प्लान में तो पहले से था लेकिन उसके लिए फिट था गोविंद। अच्छा, अपने को क्या करेक्टर की पहचान है, करेक्टर की पहचान है। बिल्कुल, मैंने कहा गोविंद बहुत बेस्ट करेक्टर है उसके लिए, उसका ये इंसान जो है उसे पूरा दम लगा देगा। फिर पिकिया मेरे पास में था। अच्छा, लुगाई चीज थी मेरे को इनकी, तो बात क्या लुगाई में क्या था, पिंकी मेरे पास बहुत दिन से लगी थी। अच्छा, ये कहाँ से मिले पिंकी दीदी? पिंकी का कैसा था कि पिकिया लेके आया था उसको बहुत पहले, तो मेरे स्कूल लाइफ के लिए लेके आया था उसको। अच्छा, तो उसको मैं नॉट फिट कर दिया था, पिंकी भी खुद बताया कि उसके जीएल साथ में आई थी सिवनी से। अच्छा, पता नहीं कहीं तो भी आई थी सिवनी से, सुबह सुबह आ गई 7 बजे। जी सर, तो पिंकी मैंने बोला पिंकी तुम्हारा जो बेटर है वो फिट नहीं बैठ रहा है स्कूल लाइफ, क्योंकि देखो क्या था, मेरे को अलग टाइप का फेस चाहिए और अपना समझौता नहीं करता है। तो पिंकी नॉट फिट थी उसपे, तो उसको मैंने काम भी दोबारा पहले दिया भी उसको, लेकिन जब लगा यार कि एक लड़की चाहिए देसी देहाती, तो फिर पिंकी याद आई मेरे। अच्छा, मैंने कल उठा के लाओ, रिसेंटली फिर कॉल किया आपने, मैंने कहा पिंकी ऐसी बात ऐसी है, घर पे रहो लेने भेज रहा हूँ, पिंकी आ गई। पहला वीडियो पिंकी ने हंस दी थी, मैंने उसको क्रॉप भी करा था, पिंकी बताएगी। मैंने कहा पिंकी हंसना नहीं है, बाकी मैंने कहा संभालने में बैठे हुए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा संभालेंगे, मैंने कहा तुम हंसना नहीं है फ्रेम में हो तुम, तो ये सब बातें रही है। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई, लेकिन सब्र 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 होता है, कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें जाने वाले आने वाले सब लगे रहते हैं, और इसमें कोई हमको दुख भी नहीं हुआ। अच्छा, वो अपनी अच्छी खास जिंदगी जी रहा है, गोविंद भी बढ़िया काम कर रहा है। नहीं नहीं, उनका भी ठीक है, अच्छा है। और आप में आपको सिल्वर बटन मिल गया, आपके लिए कांग्रेचुलेशन डबल, बहुत अच्छा। आपको भी भैया, आपने मेहनत करे हमारे लिए, वो तो है, ऑडियंस हमारी देख रही है, ऑडियंस सभी को बधाई हो, आपकी मेहनत है भैया का। सभी को आप एक संदेश दे दीजिए कि हमारा ऑडियंस ये मिल चुका है, आपने तो अपने यूट्यूब चैनल पे दिया हमारे, लाओ भैया पंकज लाओ जरा उसको, लाओ
अब देखो आपको बता भी देते हैं, देखो ना ये है हम लोग का सिल्वर प्ले बटन। तो गाइस ये है भैया का सिल्वर बटन जो 1,00,000 सब्सक्राइबर पे मिलता है। और यूट्यूब की जो लाइफ है ना गाइस, ये ऐसी मतलब नॉर्मल नहीं है, बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत चीजों को फेस करनी पड़ती है, तब जाके ये जो है ना यूट्यूब चैनल का जो एक मिलती है। ये अमेरिका से आती है, ऐसे अपने इंडिया से नहीं मिलती। और जो आप कहते हो ना इंडिया से सारी चीजें मिलती, नहीं इंडिया से नहीं मिलती। पैसा भी जो आता है यूट्यूब से वही देता है। भैया बताएंगे किस तरह से उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह से ये जो चैनल के लिए अपने को ये यूट्यूब अवार्ड मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रहती है ना, ये जो बाल है ना घने अच्छे खासे थे मेरे पहले ये सब क्या झाड़ना पड़ता है, दिमाग खपाना पड़ता है, आंखें इधर से काली करनी पड़ती है। जो यूट्यूबर है वो समझता है, जरा ये हर कोई नहीं समझ सकता, बच्चों खेल नहीं कहा जाए तो, लेकिन जिसमें हिम्मत है उसी का यूट्यूब है, उसके पास सब्र है उसी का यूट्यूब है, वरना किसी का यूट्यूब नहीं है। सर मैं रख लूँ एक बार? हाँ हाँ बिल्कुल अनुभूति। सर मुझे इसकी फीलिंग ना बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि मुझे ना अपना भी एक यूट्यूब चैनल का एक छोटा सा एक सपना है। नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा, आपसे हम फिर और मिलते रहेंगे। और भैया मैं आपको पास से बता देता हूँ, ये है 1,00,000 सब्सक्राइबर की कीमत, देख सकते हैं यहाँ से 1,00,000 सब्सक्राइबर यहाँ पे लिखा आएगा आपको प्रॉपर वे में, जो अमेरिका से लिख के आता है, आपका जिस नाम से चैनल रहेगा उस नाम से यहाँ पे मेंशन रहेगा यहाँ पर। और ये जो बटन है, बटन ये बाजारों में नहीं मिलती, ये बाजारों को मिलने वाली चीजें नहीं है, ना इसको आप बेच सकते ना कुछ कर सकते। जो एक यूट्यूबर होता है ना, ये उसके लिए बहुत बड़ा सपना है, लाखों की चीज है, लाखों की चीज है। आप इस किलो अगर आप 10,00,000 भी दोगे या 20,00,000 एक करोड़ भी दोगे, तो ये बंदा जो है आपको कभी यूट्यूब चैनल का ये जो लोगो है ये चीज है वो वापस नहीं करेगा कभी, ये अपने लिए वो लाइफ टाइम रखेगा। तो ये बहुत बड़ा सपना है सभी। सिल्वर बटन है लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें चांदी वांदी लगी है, नहीं नहीं वो अपने लिए तो हीरा है, ये हीरा है, हीरा से कम नहीं है, हीरे से कम नहीं है। तो ये एक चीज है यूट्यूब के लिए। और गाइस आप बस प्यार बनाए रखिए, हम भी थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग का सपोर्ट रहा, आपका प्यार है, तो डेफिनेटली हम भी आगे जाएंगे। तो बस हमारी बातों को यही विराम देते हैं भैया, आप कुछ संदेश हमारे व्यूवर्स के लिए, एक छोटा सा अच्छा एक डायलॉग मार दीजिए आप वो वाला, देखो डायलॉग की जो कहानी है, एक छोटा सा क्या, देखो हमारे हर चीज जो है लगभग डायलॉग ही होते हैं। देखो ये वक्त अभी जो है कॉमेडी का नहीं है, ये वक्त जो है थोड़ा अलग है, और आपसे मिलने का वक्त है, आपसे बातें करने का वक्त है। पर जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, बस यही बात कहना चाहता हूँ, देखो जरूरी नहीं कि आपके मतलब जो व्यूवर्स हैं वो अपने काम काज तो करते ही, कुछ लोग भी ये भी होते हैं जिनको कुछ काम करना है, लाइफ में बनना है, आगे बढ़ना है। तो जो अगर आपने सोच लियो तो इधर दबा के मत रखो। हाँ लेकिन ये बात है, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, हटके करने के लिए कलेजा चाहिए, ये तो बात सही है ना। और विरासत में मिली चीज कुछ दिन टिकती है, मेहनत से जब की हुई चीज है वो आपको जिंदगी भर काम आती है। तो कोशिश करो कि विरासत को छोड़ो और मेहनत का जो है ना वो रोटी कमाओ, तो मजा आएगा। तो निकल जाओ जो मतलब ठान लियो मन में, तो उसको फिर करके छोड़ो, करके छोड़ो। अभी हमने वीडियो बनाया, हमारा वीडियो जो आया है जिंदगी क्या है, हमारे एमआर देव कुमार चैनल पर डल चुका है वो, उस पर आप देखा जिंदगी क्या है, आप जिंदगी क्या है आप बताइए ना, आप अगर आपके मायने बताओ जिंदगी क्या है। चलो मैं आपको देखो क्वेश्चन कर लिया मैंने, जिंदगी क्या है भैया? जिंदगी जिसे जी लिए उसे जिंदगी कहते हैं, लेकिन उसे एक अगर अपन गरीब घर में पैदा हुए हैं और हम गरीब ही रह गए तो उसे जिंदगी नहीं कह सकते। नहीं जिंदगी वो भी नहीं है, जिंदगी क्या है देखो, आप या तो मेरे क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो या तो आपके पास उसका आंसर नहीं है। बात समझिए जी सर, जिंदगी लोग बोलते हैं कि जिंदगी किसी के हिसाब से पैसा भी है, पैसा जिंदगी खुशियां है जिंदगी, लेकिन वो भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी वो चीज है जिसको समझ पाना बहुत कठिन काम है। आप बताएं जिंदगी क्या है, अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट करना दोस्तों। अब जिंदगी ये है कि जी ली है तो उसे जिंदगी कहते हैं। अभी जैसे मान लीजिए जिंदगी वही है जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप उसको करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, परेशानी आ रही, लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद आप सफल हो गए, सही मायने वो जिंदगी है जी। राइट, आपने मतलब अच्छा बताया। अगर मान लो आपके अंदर जी रहे हैं, ठीक है जी, अब अंदर इच्छा ही है मेरे को एक्टर बनना है, बिल्कुल राइट, और काम कर रहा है कौन सा, कबाड़ी बेचने वाला मान लो, अच्छा अब उसको एक्टर बनना था, अब बेचारा कबाड़ी काम कर रहा है, या फिर मान लो पंचर बना रहा है वो, या कुछ कर रहा है,
उसकी जिंदगी जिंदगी थोड़ी ना रही, फिर वो तो इधर दबा के जी रहे ना, वो तो अपने वो जिंदगी नहीं है, वो गधा मजदूरी है जी बिल्कुल, वो लाइफ जी नहीं रहा है भैया, वो लाइफ को झेल रहा है नहीं, राइट ये तो बात है, वो सैक्रिफाइस करने लग गया अपने लाइफ के साथ, अपने आप से सैक्रिफाइस नहीं करना, समझौता करने लगे, समझौता नहीं करना चाहिए लाइफ में, जी नहीं रहा भैया, वो तो काट रहा दिन समझ लेना, और जिंदगी वही है जो काटी नहीं जी जाए, तो आप मेहनत करो अपने मुकाम तक पहुंचोगे। और रही बात हमारी, तो हम तो ऐसा है कि लग गए हैं 24 घंटा हमारा इसी में, देखते क्या होगा, आज निकल मिलेगा, आज हमारे पास में ये है, कल गोल्ड भी आएगा, गोल्ड भी आएगा, डायमंड बटन भी आता है गाइस, मैं आपको डायमंड गोल्ड डायमंड सब आते हैं। और हमारा मेरा जो मकसद है बता दूं मैं आपको, जितने भी हमारे व्यूअर्स है, देव कुमार पहले ही बोलता था, आज ही बोलता है कि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे क्षेत्र में जाने, मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे कलाकारों को जाने, हमको जाने, हमारे शहर को जाने, हमारे मध्य प्रदेश को जाने, और इसी सोच के मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बस आपने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस मत करे और आगे बढ़ते रहिए आगे, बस यही संदेश है भैया का, और थैंक यू भैया आपसे, चलिए अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा भैया, मिलते हैं फिर कभी, और बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है, बात करेंगे, नमस्ते, चलिए नमस्कार।